Hello my dear friends, you all are watching Mom's Princess Rupashri Naik, myself Rupashri Naik. तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, क्या मैं जिम जाकर वेट लूज किया था या घर पर रहकर? तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैं कभी जिम नहीं गई वेट लूज करने को. इनफैक्ट मैंने घर पर रहकर अच्छा मस्त खाना खा के, हाँ डेफिनेटली हेल्दी खाना खा के और रेगुलर वर्कआउट्स करके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके मेरा वेट फ्रॉम 72 से 49 केजीज किया है. इट्स वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स. हाँ, हमारे वेट लॉस जर्नी में हम लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, मैंने भी की थी, लेकिन उस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ दोस्तों कि क्या क्या मैंने मेरी गलतियाँ की थी मेरी वेट लॉस जर्नी में और हमें उन्हें सुधारनी चाहिए. हमें अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है. वी आर सिंपल ह्यूमन्स माई डियर फ्रेंड्स. हम सभी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सभी ह्यूमन्स है. छोटी बड़ी गलतियाँ तो हमसे हो ही जाती हैं, लेकिन उन्हें हमें रिपीट नहीं करना है, हमें उन्हें सुधारना है. तो माई डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए, अगर जिम ज्वाइन करूँगी तो फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल पाता था दोस्तों, क्योंकि मेरा पूरा किचन का वर्क रहता है, कुकिंग स्टाफ रहता है, क्लासेस रहते हैं और मेरे रेगुलर वर्कआउट्स भी रहते थे जो मैं घर पर करती थी, जो मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. सो बिल्कुल घबराना नहीं. आई एम हियर टू सपोर्ट यू ऑल, आई एम हियर टू इंस्पायर यू ऑल. एंड डेफिनेटली इफ यू ऑल आर ऑलरेडी स्टार्टिंग और थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर वेट लॉस जर्नी, देन इट इज़, आई एम टेलिंग यू ऑल, इट इज़ रियली वेरी मच पॉसिबल. लेकिन शॉर्टकट्स लेके नहीं, आसान तरीके से इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. सिर्फ डेडिकेटेड रहना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, सब काम आसानी से हो जाते हैं दोस्तों. जी हाँ दोस्तों, और रही बात मेरे जिम जाने की, तो ख्याल बहुत बार आया मन में, लेकिन कभी सीरियसली लिया नहीं, बिकॉज घर पर ही रहकर मेरे रेगुलर वर्कआउट से और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेनेंस से मेरा आसानी से, बढ़िया से वेट लूज हो रहा था, तो मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी जिम ज्वाइन करने की. लेकिन जिम ज्वाइन करना ना करना, इट डिपेंड्स ऑन योर कम्फर्ट जोन ऑल्सो. थोड़े लोग चाहते हैं ज्वाइन करना लेकिन समय नहीं मिल पाता है. लेकिन मैं घर पर वर्कआउट्स करती थी, उसमें सारा कॉम्बिनेशन ऐड करती थी, जैसे कि कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा फॉर गुड फ्लेक्सिबिलिटी एंड गुड पोस्चर. सो मैं इन सभी का कॉम्बिनेशन करती थी. सो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई कभी. क्या होता है दोस्तों, सिर्फ कार्डियो करने से हमारा वेट नहीं लूज होता है, वेट लूज हो जाता है, लेकिन बाद में थोड़े लोगों को फ्लैबी स्किन यानी कि लूज स्किन, फैट लॉस होने पर लूज स्किन दिखती है, उसको टोन अप करना ज़रूरी होता है. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेदर इट इज़ बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सटर्नल वेट ट्रेनिंग, हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है दोस्तों. सो इसीलिए हमें कॉम्बिनेशन करना चाहिए ताकि हमें हेल्दी रिजल्ट्स मिल जाएँ और हम हेल्दी बॉडी वेट लूज कर पाएँ. तो माय डियर फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो कि मैं जिम ज्वाइन किया था मैंने या मैं घर पर वर्कआउट कर रही थी. बहुत जल्द मैं लेके आने वाली हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैंने जो भी वर्कआउट्स किए थे मेरे घर पर और करंटली जो भी मैं कर रही हूँ वो सभी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ दोस्तों बहुत जल्द. सो स्टे ट्यून्ड. एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड प्लीज़ हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, इट रियली मीन्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स. यस, एंड इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. और जी हाँ दोस्तों, आगे बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ आने वाला है. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. आई एम योर फ्रेंड, people are my friend, I am here to help you out, to inspire you all. So my dear friends, till we meet again, keep smiling, keep rocking, stay fit, stay healthy. Bye, love you.